हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड सब अपने अपने घर पे सेफ होंगे। तो वही देखने की शुरुआत हो चुकी है और अभी टाइम हो रहा है 11 बज चुके हैं। 11 बज के हाँ मतलब 11 बजे हैं, 11 बज के 5 मिनट नहीं हुई होने वाली है। तो भाई अभी हुआ क्या, अभी जस्ट 15 मिनट पहले मेरे पास मेरे भाई का कॉल आया कि भाई चल फटाफट यहाँ बाहर आ जा, मेरा भाई मेरे साथ आ रहे हैं, हम चल रहे हैं शूज लेने हैं। पता है मैं उठा तो हुआ था बहुत देर से, लेकिन पर फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर बाद आऊंगा, आज मैं थोड़ी देर लेट जाता हूँ। उठा हुआ था, लेटा हुआ था, फोन चला रहा था और फिर जैसे उसका फोन आया अभी फटाफट आ जा, मेरे पास एयरपोर्ट सिर्फ आधा घंटा था। मैं फटाफट गया हूँ, फटाफट नहाया हूँ और नहा के फटाफट तैयार होकर बस अब निकल रहा हूँ। अब लगभग 15 मिनट में नहा के तैयार हो गया, 15 मिनट में तो फटाफट निकल रहा है। और जहाँ मेरे को जाना है, यहाँ से मेरे को पता है कहाँ जाना है, मैंने आपको बताया था ना मंदिर पे जाना है, जहाँ से मैंने एक बार आप लोग मंदिर की ब्लॉग भी दिखाई थी। मैंने बोला था कि भाई दूसरे वाले जो गेट है वहाँ से आते हैं तो वहाँ जाना है, वहाँ चाचा आने वाले हैं, चाचा मेरे भाई आएंगे, फिर वहाँ जाएंगे आज लेने शूज। सोचा था मैंने कि हम बाद में जाएंगे, बट नहीं, हम पहले ही जा रहे हैं। मैंने आपको बताई थी कि कल या परसों में आ जाएंगे, तो भाई चलो आज ही आ जाएंगे शूज भी। अब फटाफट चलते हैं और देखते हैं भाई कैसे शूज लेने हैं। 10 ब्राउन शूज लेंगे और बाकी अगर वहां जाके मूड बदल गया तो भाई कुछ नहीं कह सकते, बट फिर भी फटाफट चलते, फटाफट देखते हैं। सो गाइस, मैं तो पहुंच चुका हूँ अपनी लोकेशन पे, यहाँ पे आएंगे चाचा, और चाचा खुद ही नहीं आए। मैं आ गया 9 पे, 11 बज के 9 मिनट पे, और ये मंदिर का जो दूसरा वाला गेट मैंने आप लोगों को बताया था, भाई यहाँ से अभी बाहर से हाथ जोड़ लेते हैं और यहीं से आएंगे चाचा भाई। अब देखते हैं कहाँ रह गए, वही उनके आने से पहले पहुँच गया, बस बेशक पहले पहुँच गया, बस लेट ना पहुँचो वरना चाचा डांट देंगे। देखो ये भी बन गया, कितना तगड़ा फुट ओवर ब्रिज बन गया, पहले नहीं था, अभी कुछ टाइम पहले बना ही है। तो भाई ये यहीं खड़े थे, चाचा आते हैं वहाँ से आएंगे और हम जाएंगे यहाँ पे फिर। तो भाई पार्किंग हो गई गाड़ी और अभी हम आए एम्बियंस मॉल में, बिल्कुल लिफ्ट के पास ही गाड़ी पार्क करी है क्योंकि ये नज़ारा चलना नहीं पड़ेगा, फटाफट पहुँच जाएंगे। तो चाचा और चाची भी आए थे, चाचा चाची तो पहले ही ऊपर चले गए हैं, तो अब हम जा रहे हैं भाई। अब मॉल में मास्क ज़रूरी हो गया, मैं मास्क ही लगा के आया हूँ भाई, अब देखना पड़ेगा भाई मास्क कहीं मिल जाए तो। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं रोसो में शूज़ देखने के लिए, तो देखते हैं यहाँ पे मेरे शूज़ पसंद आएंगे नहीं आएंगे, तो आ जाएंगे भाई और जाके देखते हैं अब। तो वैसे भी हम ले रहे हैं एंट्री प्रोमिनाड में एम्बियंस मॉल से, रोसो में शूज़ पसंद नहीं आए, पसंद आए लेकिन बस वहाँ पे एक ही वैरायटी थी। तो अब यहाँ पे हम जा रहे हैं ज़ारा में और देखते हुए यहाँ में शूज़ पसंद आते हैं या नहीं, प्रोमिनाड में है ना ज़ारा, इस वजह से हम यहाँ पे आए हैं। तो भाई ज़ारा बंद हो चुका है मॉल में, ज़ारा इज शट डाउन। अभी हम आए हैं यहाँ पे जोशू, तो अभी भाई यहाँ देख रहे थे भाई एक बार, यहाँ पसंद आते तो ठीक है वरना फिर कहीं और चलते हैं। तो भाई अब जा रहे हैं अरमानी में देखने के लिए, यहाँ तो मिल जाने चाहिए भाई शूज़, बहुत घूम लिए। सो भाई अभी जा रहे हैं स्टीव मेडन में, अरमानी से निकलने के बाद अरमानी में भी नहीं मिले तो भाई अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या रहता है। सो भाई प्रोमिनाड से निकलने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं एम्बियंस में ही, यहाँ पे भाई रोसो पे जो सबसे पहले शूज़ देखे थे वही लेके फाइनल करेंगे अब। मेरा भाई यहाँ से लेगा और मैं कहीं और चलूँगा क्योंकि मेरे वाले शूज़ तो यहाँ पे भी नहीं है, तो एक बार मेरा भाई ले ले फिर भाई मैं कहीं और से लेता हूँ, वापस चलते हैं रोसो। One eternity later. तो भाई जब हम आए लाजपत नगर, वहाँ से शूज़ ले लिए थे भाई ने और भाई गए आप घर पे, तो भाई मैं दादा और चाची आए हैं, यहाँ से देखूँगा मैं कहीं शूज़, मैं सोच रहा हूँ लाइफ स्टाइल से ले लूँ, तो फटाफट जा के देख रहे हैं अब लाइफ स्टाइल, क्योंकि वहाँ जो मेरे टाइप के शूज़ थे ना वो वहाँ मिले नहीं यार, और उनकी रेंज भी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे। तो भाई यहाँ पे आए हैं भाई, यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे शूज़ है और प्राइस भी ठीक है, तो ये मंगवाए मैंने शूज़, अभी आ जाए एक बार फिर ट्राई करके बताता हूँ आप लोगों को, दिखाता हूँ मैं शूज़ अपने। तो भाई ये वाले शूज़ पसंद किए मैंने मेरे कुर्ते पजामे के लिए, और ऊपर के आउटफिट आप लोगों को बाद में दिखाएंगे, फिर आने वाले शूज़ करवाते हैं पैक और इनको लेते हैं। तो वैसे अब आ चुका हूँ मैं रूम में और शॉपिंग हो चुकी है बिल्कुल पूरी कंप्लीट, मेरी भी हो गई, मेरे भाई की भी हो गई है, और अभी बस मेरी बहन की बची हुई है थोड़ी बहुत, वो भी करेगी शायद, उसकी पूरी हो चुकी होगी, मुझे आइडिया नहीं है। और फिलहाल तो मैं ऑफिस बैठा हूँ, अभी जब जाऊँगा मैं घर पे शाम को जाऊँगा घर, बट अभी 4 बज रहे हैं, शाम को जाऊँगा 6-7 बजे के आसपास या जैसे भी होगा, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा शूज़ की भाई मेरे कैसे शूज़ हैं। फर्स्ट टाइम लिए मैंने ऐसे शूज़ कुर्ते पजामे के लिए, लेकिन आज से पहले मैंने 3 साल पहले भी कुर्ता पहना था एक बार, उस टाइम तो मैंने शूज़ नहीं, उस टाइम मैंने जूतियाँ डाली थी, बट इस बार मैं शूज़ लेके आया हूँ तो काफ़ी बढ़िया लगने वाला लुक, तो आप लोगों को दिखाऊंगा शूज़, फिर आप बताना कैसे शूज़ है वो। One eternity later. So guys, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ शांति से अपने शूज़ जो मैंने लिए हैं, फटाफट इनको निकालते हैं भाई। लाजपत नगर से लिए, पहले हम सोच रहे थे कि हम ले लेंगे लाइफ स्टाइल से, बट लाइफ स्टाइल से नहीं, वहाँ पे एक शॉप थी मतलब
काफी अच्छी थी, पूरी शूज की थी। ठीक है, अच्छे अच्छे शूज थे। तब दिखाते हैं आपको अच्छे से भाई, कैसे लगने वाले हैं और कैसे नहीं। वहां तो देखो नया लाइटिंग कम थी, इस वजह से अच्छे से नहीं दिखे, और यहाँ दिखेंगे आप लोग अच्छे से। एक सेकंड, ये देखो भाई काफी डिफरेंट है ये, पता है। जो ये ऐसे खुलेंगे, यहाँ से ऐसे खुल के ऐसे पहने जाते हैं, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। मैं आप लोग पहले ना अच्छे से थोड़ा सी और ज्यादा लाइट जला लेता हूँ ताकि और क्लियर दिखे। लो भाई क्वालिटी भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि क्वालिटी बेकार है। जिस प्राइस में मैंने लिया ना, उस प्राइस के हिसाब से तो क्वालिटी भाई मेरे को तो बहुत सही लग रही है। और जब भाई अभी तो ये जो पेंट है ना, जो मैंने पेंट पहनी, इस पेंट के ऊपर अच्छे नहीं लगेंगे शूज़। उस टाइम मैंने वहाँ देखा था ना, तो इसके ऊपर अच्छे नहीं लग रहे थे। वैसे पता है जीन्स वीन्स के नीचे ही पहन सकते हैं मैंने शूज़ को, काफ़ी तगड़े लगेंगे भाई। और बाकी देखो भाई, ये रही मेरे भाई की जो ड्रेस है, ये वो रही। अभी दिखाएंगे नहीं भाई, अंदर से थोड़ी दिखाएंगे अभी आप लोगों को, बाद में पता लगेगा। 8 तारीख को, आज क्या 5 तारीख, तो 5 तारीख तो हो गई आज, कल 6 तारीख है। कल हमें जाना है लाजपत नगर, आज भी लाजपत नगर गए, मॉल भी गए उससे पहले। तो कल दोबारा लाजपत नगर जाना है और वहां जाके फिर लेना है वो, कहते हैं जो हमारी ड्रेस थी जो देनी फिट होनी थी मेरे भाई की, ये भी है और वहां से भी लेनी है। तो अभी रहता है सामान थोड़ा सा बचा, बस लेके आनी है। फिटिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई थी, और लूज थी, और जो कुर्ता था ना, इतना तो आप लोगों को पता है कि मैंने कुर्ता पजामा सिलवाया, और जो कुर्ता था वो थोड़ा सा यहाँ से नीचे से थोड़ा सा ना ढीला जाता, तो ऐसे ऐसे निकल रहा था वो, इस वजह से बस वो और करवाना है। और फिर आऊंगा मैं कल, सबसे पहले तो भाई पूरा का पूरा आउटफिट डालूंगा, आउटफिट डालने के बाद फिर देखूंगा कि मैं कैसा लगूंगा। फोटो आप लोगों को मैं जब भी नहीं दिखाऊंगा, वो तो आपको बाद में पता लगेगा भाई, सीधा 8 तारीख को ही दिखेगा आपको क्या है। और मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ कि फंक्शन क्या है। ठीक है, देखो फंक्शन ये है कि मेरा जो भाई है ना कनिष्क, उसकी एंगेजमेंट है 8 तारीख को, रिंग सेरेमनी। तो भाई देखो, किसी 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 ने तो गैस भी किया होगा कि भाई क्या है क्या नहीं है, शायद किसी को पता भी लग गया हो, और कोई शायद थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में हो कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो मैं आप लोगों को फाइनली बता देता हूँ कि फंक्शन क्या है। फंक्शन है 8 तारीख को मेरे भाई की, कनिष्क की, जिसको आप लोग जानते हो काफी अच्छे से, उसकी एंगेजमेंट है। एंगेजमेंट मतलब रिंग सेरेमनी। तो भाई 8 तारीख को हम लोग जाएंगे और भाई उस दिन करेंगे एंजॉय। तो भाई अभी एंगेजमेंट है, शादी बाद में होगी, शादी भी खाएंगे आप लोगों को, फिलहाल एंगेजमेंट है। तो उस चीज़ का ये जो है सब कुछ उस चीज़ का है, हमारी जो प्लानिंग चल रही है शॉपिंग की। तो भाई जैसा ही होगा भाई, फंक्शन रहेगा आप लोगों को पता लग जाएगा, और भाई काफ़ी मज़ा आने वाला है। मैं तो कम से बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ, काफ़ी एक्साइटेड हूँ, और अभी ये सुन के आप लोगों को भी वेट करने में, मतलब आप लोगों को भी एक्साइटेड हो गए होंगे। तो भाई अब देखते हैं 8 तारीख को कैसा क्या फंक्शन रहता है, काफ़ी अच्छा रहने वाला है, बाकी देखते हैं फिर। और अभी चलो मैं लॉक कर देता हूँ, एंड टाइम हो चुका है, काफ़ी मैं करूँगा डिनर। डिनर करने बाद मैं जाऊँगा दोबारा ऑफिस, मैं थोड़ा सा बिजी था दिन में, इस वजह से मैं थोड़ा नहीं, आज दिन में ज़्यादा ही बिजी था, तो इस वजह से भी मैं आपसे घर पे आया हूँ। तो गाइस चलो फिलहाल डिनर कर लेता हूँ मैं, और इस ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, एंड जितना हो सके अपने फैमिली फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करें। तो चलो गाइस मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट में।